देखिए साथियों, जो आज जो प्रॉब्लम आ रही मशीन में, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मशीन पे आप स्कैन करते हैं जाके, तो स्कैन करने के बाद में ये देखिए फर्मवेयर वेरिफिकेशन पेंडिंग लिख के आता है। फिर देखिए ये लिख के आ रहा है फर्मवेयर वेरिफिकेशन पेंडिंग, ये लिख के आ रहा है। यही समस्या सारी मशीनों में, लगभग सारी मशीनों में आ रही है, अपडेट होने के बाद में ऐसा हो रहा है। तो अभी हमको करना क्या है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत सरल है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, और आप ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से अपनी मशीन कर लीजिए और मशीन आपकी तुरंत चालू हो जाएगी। तो हम चलते हैं इसको सुधार करने के लिए, इसमें क्या करना है। हम सीधे सीधे यहाँ से अब सेटिंग में चलते हैं। हम यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ, और यहाँ पर देखिए एक सेटिंग का निशान बना हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये सेटिंग का निशान बना हुआ है, इसे क्लिक कर लेते हैं। देखिए ऐसे क्लिक करने के बाद में ये जो पासवर्ड मांगता है, लगभग सबको पता होगा जो भी पासवर्ड है, नहीं पता है पे आप इंजीनियर से बात कर सकते हैं अपने। इसमें आपको पासवर्ड डाल लेना है, और पासवर्ड डालने के बाद श्योर जो है इस श्योर को दबाना है। देखिए पासवर्ड डालने के बाद में इस तरीके से हमारा ये खुला। अब यहाँ पर हमें करना क्या है आगे, बहुत सावधानी से देखिएगा। पहला नेटवर्क, दूसरा कनेक्टेड डिवाइस, तीसरा ऐप्स एंड नोटिफिकेशन। अब हम ऐप्स एंड नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे। ऐप्स एंड नोटिफिकेशन को क्लिक करने के बाद में सी आल 40 ऐप्स, देखिए ये लिखा हुआ है नीचे, सी आल 40 ऐप्स पे आप जाइए, क्लिक कीजिए। ये खुलने के बाद में अब यहाँ पे जो आपके ऐप हैं मशीन में, ये सारे खुल गए हैं। अब आपको आरडी सर्विस में जाना है, थोड़ा से स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद में आप पहुँचेंगे, करते जाइए आप, ये देखिए MFS 110 RD सर्विस, ये देखिए आप, ये वाली MFS 110 RD सर्विस, इसी RD सर्विस को आप क्लिक करिए। देखिए क्लिक हो गया है, बिल्कुल मैं सरलता समझा रहा हूँ, इसके बाद में मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगी आपको। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद हमको स्टोरेज, ये देखिए लिखा है, ये स्टोरेज लिखा हुआ है, स्टोरेज एंड, इसके बाद हमें इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये देखिए क्लियर स्टोरेज कर देना है, क्लियर स्टोरेज किया और उसके बाद में ओके कर दिया, बस इतना काम था। ये करते ही आपकी मशीन सही हो जाएगी। अब एक बार हम करके देखते हैं, वापस चलते हैं। हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, यहाँ से शायद नहीं होगा, ओके ले रहा है। देखिए अब फर्मवेयर नहीं लिख के आया अभी, अभी देखिए फर्मवेयर वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, हमें एक बार मुझे लगता है कि हमें बंद करके खोलनी पड़ेगी मशीन को। मैं बैक हो जाता हूँ एक बार, यहाँ से करके देखता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ से भी अभी डायरेक्ट नहीं हो रहा है। अभी हमको करना क्या है, इस मशीन को दोबारा खोल लेना है। हम स्विच ऑफ करके खोल लेते हैं, और स्विच ऑफ करके खोलने के बाद भी मशीन ठीक हो जाएगी। देखिए अब मैंने दोबारा से मशीन खोल ली है, और हम दोबारा चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं क्या होता है। अगर दादा अब हम इसमें देखिए, अभी ये आया है प्लीज़ डू नॉट, अब साफ नहीं आ रहा है इसमें, ये लिख के आ रहा है प्लीज़ डू नॉट डिसकनेक्ट डिवाइस। तो कुछ देर के लिए, जब मैंने दोबारा से खोली है, तो कुछ देर के लिए इसको ओके करके चलने देना है। आपको लिखा हुआ इसमें शो नहीं कर रहा है, मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ, अभी सर्च कर रहा है, बस सर्च हो जाने के बाद में ये ऑटोमेटिक मशीन आपकी रेडी हो जाएगी। तो अब देखिए साथियों, मुझे उम्मीद है कि अब सही हो गई है मशीन। अब मैं स्कैन बटन दबाऊंगा, और देखिए सही हो गई मशीन। बस इतना ही प्रोसेस था। तो आप समझ लीजिए इसी तरीके से मशीन को ओके कर देना है, जैसे मैंने बताया है आप वीडियो, क्योंकि जो हमने किया था वहाँ पर जाके स्टोरेज क्लियर, तो वहाँ पे जाके करने के बाद आप एक बार को मशीन को स्विच ऑफ करके ऑन कर लीजिएगा। बस मशीन अपने आप में कुछ देर के लिए आपको खुली छोड़ देनी है, ओके करने के बाद में मशीन आपकी चालू हो जाएगी।
वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।